आपका क्वेश्चन है, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75 एंड गेन्स एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखने में आपका ये 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में है, लेकिन ये क्वेश्चन इज फ्रॉम 8th क्लास। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला है अ डीलर सेल्स ऑफ एन आर्टिकल फॉर ₹75। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस आपका दिया है, तो आपको लिखना है एसपी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹75। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या बोला है। गेन, गेन बोला है, तो आपका सेलिंग प्राइस, गेन एंड कॉस्ट प्राइस में आपका एक इक्वेशन होता है ना। क्या होता है आपका सीपी प्लस गेन इज इक्वल टू एसपी। तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है। दैट मीन्स लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। तो कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स लेना है, फिर हम लेंगे गेन परसेंटेज। नेक्स्ट आपका क्या है, गेन परसेंटेज। तो गेन नौ, तो देखो आपका गेन परसेंटेज क्या होता है। गेन परसेंटेज आपका इसने क्या दिया है वो आपको देखना है। तो गेन परसेंटेज इसने दिया हुआ है कि आपका गेन एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स एक्स परसेंटेज है ना। कॉस्ट प्राइस एक्स है तो ये हो जाएगा आपका एक्स परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है गेन, है ना। सीपी हमने निकाल लिया, गेन परसेंटेज हमको पता है, गेन हमको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इज योर गेन। तो गेन हमारा कैसे निकालते हैं हम, गेन परसेंटेज ऑफ, गेन परसेंटेज दैट इज एक्स परसेंटेज ऑफ सीपी दैट इज एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई 100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, अब ये भी आपको पता है, सीपी भी पता है और एस भी पता है हमको, तो हम ये वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। तो देखो क्या आ रहा है, सीपी इज एक्स प्लस गेन इज योर एक्स स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू एसपी इज योर 75। तो यहां पर आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इज 100। तो अब आपका आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको अरेंज भी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 7500। 7500 को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 7500 को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और 100 बनाना है, तो 150, एक तो आपका 150 और 50 इज 750। ठीक है, और इधर है प्लस, तो 150 विल बी पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। तो एक्स आपका कॉमन है, तो एक्स प्लस 150, यहां पर माइनस 50 आपका कॉमन है, तो यहां पर भी आ जाएगा एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 0। तो आपके एक्स प्लस 150 एक फैक्टर है, सेकंड फैक्टर इज एक्स माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दैट आपका क्या हो गया, एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू 0
एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x इज इक्वल टू माइनस 150 और ये आएगा x इज इक्वल टू 50। तो x हमारा क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो देयरफॉर आपका सीपी कितना हो गया, रुपीज 50। तो सीपी इज रुपीज 50। तो आपको इसको इस तरह से